नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शनिवार को गंदगी और दुर्गंध से परेशान छात्र छात्राओं का दर्द फूट पड़ा और वो आग बबूला होते हुए नारेबाजी करने लगे। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मासरपुर का है, जहां गांव के एक दबंग व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के चलते प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल को जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके चलते आवारा जानवर परिसर में घुसकर मल क्रिया कर विद्यालय का वातावरण को आए दिन प्रदूषित कर रहे हैं। गंदगी और दुर्गंध के चलते छात्र छात्राओं का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। 6 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल को ना तो विद्यालय प्रशासन ने ही दुरुस्त कराया और ना ही ग्राम प्रधान ने। ऐसे में आखिरकार आज परेशान छात्र छात्राओं का दर्द छलक उठा और योगी जी बाउंड्री बनवाओ जैसे नारे लगाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल का निर्माण कराए जाने की गुहार लगाई है। जी बताएं, विद्यालय में ये आवारा जानवर घूम रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि बदबू आती है, क्या समस्या है? सब बाउंड्री टूटी हुई है। फिर बाउंड्री इस गांव के ही एक नरेश सिंह जी हैं, उनके ट्रैक्टर से टूटी है, उनका लड़का चला रहा था। जब उनसे कहा, मैंने प्रधान जी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो ट्रैक्टर ने बाउंड्री तोड़ दी जी, ये सही कराओ। प्रधान जी से कहा मैंने, या तो FIR कराओ। तो प्रधान जी ने कहा कि मैं उससे बात करूंगा। बात करने के बाद जब प्रधान जी से पूछा तो बताया कि उसने बनवाने का आश्वासन दिया है। अच्छा, इस समस्या को लगभग कितने दिन हो गए? इससे हो गए करीब 5-6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, अभी आप प्रधानाध्यापक हैं, फिर भी आपने कोई कदम नहीं उठाया, ऐसा क्यों? भाई इसके लिए तो मैं प्रधान जी से बार बार कहा, प्रधान जी साथ चलते तो मैं FIR भी करा देता। तो विद्यालय के